हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1। हम लोग देख रहे हैं 3 इंच सर्कुलर आर्चेस। पिछले वीडियो में मैंने इसके डेरिवेशन बताया फॉर्मूले के। इसमें दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आता है रेडियस फाइंड करने के लिए और दूसरा फॉर्मूला आता है हमें वाई फाइंड करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप सर्कुलर आर्च के लिए सॉल्व करेंगे तब आपको तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। पहला, जहाँ पर आपको सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करने को बोला जाएगा और साथ में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी सॉल्व करने को बोला जाएगा। और तीसरा जो यहाँ पर आता है, आपको बोला जाता है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर फोर्स फाइंड करना है। तो ये तीन चीजें आपको इसमें सीखनी है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज कवर करेंगे, एक सपोर्ट रिएक्शन कवर करेंगे और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कवर करेंगे। साथ में एक और चीज यहाँ पर आता है कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसका बनाना आना चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमें दिया है ए 3 इंच सर्कुलर आर्चेस। क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि वो सर्कुलर आर्च है ऑफ स्पैन 30 मीटर विथ राइज ऑफ 6 मीटर, कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 10 kN एट 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हिंज। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए, जैसे हमें दिया है उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका आर्च हुआ, मान लीजिए ये 30 मीटर का है। ठीक है, ये 30 मीटर का है मान लीजिए, और राइस दिया है 6 मीटर। तो इसका राइस ये हो गया 6 मीटर। और हमें क्या बोला है, देखिए अगर ये पॉइंट हम लोग ए नाम दे दे तो यहाँ पर रिएक्शन एट ए लगेगा। अगर इसका नाम बी दे दे तो यहाँ पर रिएक्शन एट बी लगेगा। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगता है जो हमेशा इनवर्ड होना चाहिए, यहाँ पर भी लगेगा, हमेशा इनवर्ड होना चाहिए। अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग कैपिटल एच लिखते हैं, एक ही सॉल्व करेंगे, मतलब ये इक्वल्स टू ये होता है। तो नेक्स्ट क्या बोला है हमें, कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 10 kN एट 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हिंज। लेफ्ट साइड ये वाला है, यहाँ से 10 kN लोड लग रहा है, 10 kN कहाँ पर लग रहा है, लेफ्ट साइड से 10 मीटर के दूरी पर है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट साइड से इसको 10 मीटर की दूरी दे देते हैं। इस तरीके से, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, हमको डायग्राम खुद बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना। तो उसके लिए हम लोग लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आर बी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस आर बी माइनस होगा ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका डिस्टेंस ए से कितना है, 30 मीटर, तो इंटू 30, तो ये 10 है। तो 10 क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए प्लस 10। इसका डिस्टेंस ए से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर, तो 10 × 10 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मुझे आर बी मिल जाएगा, माइनस एक्स इंटू 30 प्लस 10 × 10 इक्वल्स टू जीरो। ऐसे मुझे आरबी मिल गया 3.33। तो यही पे मैं लिख देता हूँ 3.33। ठीक है, अब मुझे आर ए चाहिए, तो मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लूंगा। तो आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस आर ए, आर बी भी ऊपर जा रहा है तो प्लस आर बी, लेकिन मैं आर बी की वैल्यू लिख देता हूँ 3.33, और ये 10 नीचे आ रहा है इसलिए माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मुझे आर ए मिल जाएगा, एक्स प्लस 3.33 माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मुझे आर ए मिल जाएगा जो कि 6.67, तो यही पर मैं लिख देता हूँ 6.67। अब मुझे क्या चाहिए, एच। एच के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी लेना है, ये तो कंफर्म है, लेकिन राइट साइड ले सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड ले सकते हैं, हमारे पास चॉइस होता है। तो राइट साइड देखेंगे तो दो लोड है, तो दो लोड एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक दो तीन लोड है। तो हम लोग क्यों खाली फोकट का टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर राइट साइड लेंगे, तो कम से कम टाइम में हमारा हो जाएगा। ये पॉइंट सी है यहाँ पर हमारा तीसरा हिंज होता है। तो चलिए, बेंडिंग मोमेंट का आपको साइन कन्वेंशन तो मालूम होगा ना, ऊपर जाने वाले प्लस होते हैं और सिमिलर वैसे नीचे जाने वाले माइनस होंगे, ये प्लस है ऊपर जाने वाले। तो आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस आर बी, आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना होगा, ये 30 का हाफ, 30 का हाफ मतलब 15,
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये एच देखिए, अगर मैं इस आर्च को खोल दूँ तो ये इस तरीके से होगा। तो ये आर्च पे एच यहाँ पर लग रहा है तो उसको नीचे फोर्स कर रहा है, तो नीचे जाने वाले माइनस होते हैं, तो इसलिए माइनस एच। एच का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी क्या है, हमें लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 6 मीटर इंटू 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आरबी की वैल्यू डाल दो, आरबी हमको मालूम है, हमने आरबी कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर आरबी की वैल्यू डाल दो जो कि है 3.33 आरबी इंटू 15 है, और माइनस एच अननोन है इंटू 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे एच मिल जाएगा 8.325। तो 325 है तो 25 को मैं 30 लिख सकता हूँ, मतलब 8.33 में लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 8.33। ठीक है, सिमिलर ये साइड भी वही होगा, 8.33 है ना, 8.325 है, तो 25 को मैं 30 लिख सकता हूँ, तो 30 लिखने का मतलब 8.33 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सारे रिएक्शन मिल गए, आर ए आर बी और एच सारे हमें मिल गए। अब याद कीजिए, जब हम लोग फर्स्ट वीडियो देखा था जहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन दिया था, वहां पर एक फॉर्मूला मैंने आपको रेडियस के लिए बताया था। जब आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना, फर्स्ट वीडियो इसके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फॉर्मूला है हमारा आर का, आर रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर अपॉन 8h + h/2। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया आप जाके देख सकते हो, वो वीडियो में हमने वहां पर उसको डिराइव किया है। तो चलिए यहाँ पर सारे वैल्यूज डाल देते हैं। आर इक्वल्स टू एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन जो कि है 30 का स्क्वायर अपॉन 8। एच क्या होता है, राइस, राइस को कहा जाता है एच, तो 8 × 6 + यहाँ पर वापस एच आ रहा है, मतलब 6/2। तो यहाँ से मुझे रेडियस मिल जाएगा 30 का स्क्वायर अपॉन 8 × 6 + 6/2। यहाँ से मुझे रेडियस मिल जाएगा जो कि है 21.75, 21.75, और ये मीटर में होगा। ठीक है, यहाँ पर किलो न्यूटन वगैरह डाल देना, यहाँ पर मैंने किलो न्यूटन नहीं डाला, ये किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन, ये सब आप समझ लेना, ये भी किलो न्यूटन और ये साइड भी किलो न्यूटन, ये सब किलो न्यूटन और मीटर आप समझ लेना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला काम हो गया जो हमें बोला था कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। अब चलते हैं कैलकुलेट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की तरफ। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ए से सी के बीच में ही लोड है, तो जाहिर सी बात है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यही पर होने वाला है। क्योंकि देखिए सी और बी इनके बीच में कोई लोड नहीं है, तो इनके बीच में कोई लोड नहीं है, इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वही पर होता है जहाँ पर लोड होता है, तो यहाँ पर लोड है तो ए और सी के बीच में लोड है, तो यहाँ पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने वाला है। तो हम लोग ए और सी को थोड़ा रिड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट विल बी ऑन ए सी। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ए सी के बीच में होगा। तो चलिए ए सी को मैं रिड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिए इस तरीके से, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट ए है। ठीक है, इसमें क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का कहीं पर तो लोड है, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम ए। अगर मैं यहाँ से नीचे ले लूँ, ये हमारा क्राउन होता है, मैंने आपको कहा था ये जो सेंटर पॉइंट होता है, जो जहाँ पर हमारा तीसरा हिंज होता है, वो हमारा क्राउन होता है। अगर ये साइड 10 है तो ये साइड कितना होगा, देखिए अगर हम लोग ये क्वार्टर कर्व देखें तो क्वार्टर कर्व पर डिस्टेंस कैसे होगा, 30 का हाफ, 30 का हाफ मतलब 15। अगर ये 10 है तो जाहिर सी बात है ये 5 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये डिस्टेंस 5 होगा क्राउन से लेकर जहाँ पर लोड है वहां पर, जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर होगा। हमें ये हाइट मालूम है,
क्राउन से लेकर यहाँ तक का हाइट होता है एच, लेकिन अभी हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है, तो इसका नाम होता है वाई। हमने कहा था ना, अगर जिस सेक्शन पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो अगर उस सेक्शन का नाम लोग हम नाम ई दे दें, तो इस सेक्शन के ऊपर आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो इस सेक्शन की हाइट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये हमें हाइट मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग वाई नाम दे देंगे। और जो हमें एक्स डिस्टेंस लेना होता है, वो हम लोग क्राउन से, जहाँ पर क्राउन होता है वहां से लेकर जहाँ पर हमें मूवमेंट कंसिडर किया है वहां तक का डिस्टेंस होता है एक्स, क्योंकि ये सर्कुलर आर्च है। अगर ये पैराबोलिक आर्च होता तो हम लोग सपोर्ट रिएक्शन से डिस्टेंस लेते हैं एक्स, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी सर्कुलर है इसलिए क्राउन से उसका डिस्टेंस लेना होता है। अभी हमें निकालना है वाई, तो वाई का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हम लोग ने वाई का फॉर्मूला डिराइव किया था, देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही है, फिर माइनस आर प्लस एच अंडर रूट के बाहर है। तो चलिए, इसमें आपको क्या क्या मालूम है, रेडियस मालूम है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, तो वाई इक्वल्स टू अंडर रूट रेडियस कितना है, 21.75 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स। एक्स मतलब क्या, देखो मैंने बताया था एक्स क्या होता है, हमारा क्राउन से लेकर जहाँ पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है वहां तक का डिस्टेंस, तो वो है फाइ। देखिए मैंने आपको बताया था हमको डिस्टेंस लेना पड़ता है क्राउन से यहाँ पर, अगर हम लोग सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन अगर हमने क्रिएट किया, तो उसका डिस्टेंस हमें लेना पड़ता है क्राउन से, जो थर्ड हिंज होता है उसका सेंटर पॉइंट से लेकर हमें यहाँ तक का डिस्टेंस लेना होता है, ये होता है एक्स डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है अगर ये 10 मीटर है तो ये फाइ होगा, तो यहाँ पर फाइ का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी अंडर रूट के अंदर है, फिर माइनस आर वापस अंडर रूट के बाहर है, आर कितना है हमारा 21.75 प्लस एच, मैंने बताया था आपको एच क्या होता है, देखिए एच होता है हमारा राइस, तो राइस कितना है 6, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, हम वाई का आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 21.75 का स्क्वायर माइनस फाइ का स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर है माइनस 21.75 प्लस 6। तो देखिए यहाँ से आपको वाई मिल जाएगा जो कि है 5.417 मीटर, ठीक है, ये आपको वाई मिल गया। पता है ना आपको वाई कैसे मिला, देखिए ये डिस्टेंस होता है वाई, वापस आपको मैं समझा देता हूँ, अगर आपको पता चल गया तो आप स्किप कर सकते वीडियो, ये डिस्टेंस होता है वाई। वाई कौन सा डिस्टेंस होता है, जिस सेक्शन पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है वहां से लेकर इस न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस होता है वाई, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वाई। तो ये वाई कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो हमने पिछले वीडियो में उसको डिराइव किया था फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन वो एक्स क्योंकि ये सर्कुलर हिंज है, तो एक्स का डिस्टेंस हमें क्राउन से लेकर जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है वहां तक का लेना पड़ता है, वो एक्स का डिस्टेंस होता है। अगर ये पैराबोलिक आर्च होता तो हम लोग एक्स का डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शन से लेते हैं, सपोर्ट रिएक्शन से लेकर सेक्शन तक को हम लोग एक्स लेते हैं अगर ये पैराबोलिक आर्च होता तो, लेकिन यह सर्कुलर आर्च है, सर्कुलर आर्च में डिस्टेंस हमेशा क्राउन से लेना है जहां पर हमने सेक्शन क्रिएट किया वहां तक, तो ये एक्स यहाँ पर हो गया। और एक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, हमें मालूम है इतना 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये 5 मीटर होगा, क्योंकि टोटल हमारा 30 है तो हाफ होगा 15, ये 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया, रेडियस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, एक्स हमें मालूम है जो कि 5, और आर हमें वापस मालूम है यहाँ पर, और एच होता है हमारा राइस जो कि राइस है 6 मीटर, तो यहाँ पर पुट करके हमें वाई का आंसर मिला। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, अभी हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई निकालना है। देखिए ये हमारा सेक्शन ई हमने क्रिएट किया था, सेक्शन ई, देखिए इसको मैं नाम देता था पॉइंट ई, ठीक है, ये पॉइंट ई हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो मुझे बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो इतना पार्ट भूल जाइए, आप ये भी देख सकते, ठीक है, ये डायग्राम नहीं देखना तो आप ये डायग्राम देखिए, अगर इतना पार्ट मैं छुपा दूँ
तो मुझे बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई लेने के लिए तो सबसे पहले आर ए, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव होता है, तो आर ए ऊपर जा रहा है, मतलब 6.67 इंटू डिस्टेंस कहाँ से आएगा? देखिए डिस्टेंस, आर ए का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई कितना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है जो कि है 10 मीटर, तो इंटू 10। अब ये एच है, क्योंकि ये एच, अगर मैं इसको आर्च को खोल दूँ तो एच इसको नीचे पुश करेगा, इसके कारण ये आएगा माइनस एच, और एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? वाई। एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वाई, लेकिन हम लोग ने वाई कैलकुलेट किया है जो कि है 5.417, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई मिलेगा। वापस मैं बताता हूँ आपको, हमने यहाँ पर क्या किया, बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई हमको निकालना है। तो फिर आर ए ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है ना, तो आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए आर ए पॉजिटिव। आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट ई, और फिर एच, क्योंकि ये अगर मैं इस आर्च को खोल दूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये एच इसको नीचे पुश करेगा तो नीचे आने वाले नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए माइनस एच। एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई क्या है? वाई, वाई है ना, तो वाई हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट करके रखा है जो है 5.417, तो यहाँ से हमको बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई मिल जाएगा, यहाँ से हमें बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई मिल जाएगा जो कि 6.67 इंटू 10 माइनस एच इंटू 5.417 इक्वल्स टू करेंगे 21.6 किलो न्यूटन मीटर। ये सब समझ लेना आप, ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ई, ये है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए अभी हम लोग को नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड करना है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए सेम ऐसे ही है, पॉजिटिव के लिए ए से सी के बीच में पॉजिटिव आया था, अब नेगेटिव आएगा बी से सी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कोई लोड नहीं लग रहा तो बी से सी के बीच में नेगेटिव आएगा। तो मैं बी और सी रिड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है आपका बी, तो बी पॉइंट पे एक लग रहा है आर बी जो कि है 3.33, एक लग रहा है एच, एच जो कि है 8.33, 8.33। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो एच है, ठीक है, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो इस पॉइंट के बीच में आएगा, सी एंड बी के बीच में आएगा, तो वो कहीं पर यहाँ पर आएगा। अगर हम लोग एक सेक्शन यहाँ से क्रिएट करें, हम लोग खुद से एक सेक्शन क्रिएट करेंगे एक्स एक्स, ठीक है, इसका डिस्टेंस मैंने आपको बोला था जो क्राउन से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो होता है एक्स, अगर ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस है 15। देखिए वापस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर सेक्शन क्रिएट किया है एक्स एक्स, मुझे क्राउन से डिस्टेंस, जो हमारा क्राउन से डिस्टेंस होता है वो होता है एक्स, अगर ये एक्स है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? जाहिर सी बात है ये 15 है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस एक्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए अभी इसके लिए भी हमें वाई चाहिए। वाई क्या होता है? देखिए ये डिस्टेंस होता है वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने सेक्शन क्रिएट किया, जो हमने सेक्शन क्रिएट किया उसका डिस्टेंस आर्च से लेकर नॉर्मल एक्सिस तक का नाम होता है उसका वाई, तो ये वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो वाई का, चलिए अभी हमें वाई कैलकुलेट करना है, तो वाई के लिए फॉर्मूला तो ये सेम यूज करेंगे, यहाँ पर रेडियस तो सबके लिए सेम है जो कि है 21.75 का स्क्वायर, और फिर वापस माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन अभी एक्स क्या है आपका, लेकिन अभी एक्स हमें अननोन है, तो एक्स को हम लोग एक्स ही रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो वापस आर आ रहा है तो आर रख देंगे 21.75, और प्लस एच, एच भी हमें मालूम है एच होता है राइस जो कि है 6, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो इसको वैसे ही रखेंगे। अभी हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट,
बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट, अगर इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं डी पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं डी, तो यहां से मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इतना पार्ट मैं अगर छुपा दूं, देख सकते हैं इतना पार्ट मैं छुपा देता हूं, तो मुझे पॉइंट डी के अलोंग बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो आरबी ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव आरबी है, आरबी की वैल्यू है 3.33। आरबी का डिस्टेंस कितना आएगा, अभी हमें चाहिए डी से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये है ना 15 माइनस एक्स, अगर ये एक्स है तो ये 15 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस देखिए हमने यहाँ पर बताया था आपको 15 माइनस एक्स कैसे आया। तो बेंडिंग मोमेंट आरबी का होगा 3.33 × 15 माइनस एक्स। अब ये एच है तो मैंने बताया था एच नीचे जा रहा है मतलब माइनस एच होगा, तो एच की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8.33। अब एच का डिस्टेंस कैसे आएगा, एच का डिस्टेंस अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये एच का डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि होगा वाई, तो फिर एच इंटू वाई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है आपको, ये वाई का फॉर्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, जहां पर ये वाई है, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट डी इक्वल्स टू हो जाएगा 3.33 × 15 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स, माइनस 8.33 × वाई, इस वाई को आपको पूरा सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर, तो हम लोग वो दूसरे पेज पे करते हैं। चलिए मैं ये वापस लिख लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट अबाउट डी निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3.33, ये ब्रैकेट में इधर ही सॉल्व कर दूं, तो ये हो जाएगा 3.33 × 15 जो कि होगा 49.95, मतलब 50 लिख सकता हूं मैं उसको 50, और वापस ये -3.33x, ठीक है ना, ये ब्रैकेट खोल दूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर है -8.33y, तो y मेरे को पूरा यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है जो कि है अंडर रूट 21.75 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, और फिर -21.75 +6, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए अभी हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये बेंडिंग मोमेंट अबाउट डी तो यहाँ से चलता आ रहा है, ये 50 वैसी ही है, 3.33x वैसी है, ये -8.33 को वैसे ही रखता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ये वाला अंडर रूट के अंदर जो स्क्वायर है वो टर्म को मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये 21.75 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि है 473, ठीक है 473, और माइनस एक्स स्क्वायर वैसी है, ठीक है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूं जो कि है -21.75 + 6, ये क्या होता है -15.75, लेकिन यहाँ पर 8.33 माइनस में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए ये पहले से ब्रैकेट के अंदर है तो मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है -8.33, इसको मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल्स टू करूंगा तो आंसर आएगा 131 जो कि पॉजिटिव का है, 131.19। मैंने क्या किया देखिए ना, देखा ना, मैंने खाली इसको सॉल्व किया, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, और ये 8.33 है, इसको सबसे पहले इनको सिंपलीफाई किया और फिर इसके साथ ये 8.33 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरा बेंडिंग मोमेंट अबाउट डी का एक फर्स्ट इक्वेशन आया। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, मैंने आपको बताया था जब हम लोग को बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ता है तो उसका डेरिवेटिव लेना है, बेंडिंग मोमेंट डी अपॉन डेरिवेटिव एक्स और इक्वल्स टू जीरो, इसको प्रूव करना है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो 50 का डेरिवेटिव आएगा जीरो, तो या -3.33x का डेरिवेटिव आएगा -3.33, और देखिए ये तो वैसे ही रखते हैं इसको क्योंकि कांस्टेंट है, तो 8.33 वैसे ही। अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स आता है तो उसको क्या करना है, वैसे ही यहाँ पर है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स, तो यही फॉर्मूले में देखिए क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब जो अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो
तो 473 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी अपॉन के नीचे क्या होता है, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स क्या है, 473 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था कि अगर डेरिवेटिव लेना है अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स का, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब 473 का डेरिवेटिव हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। यहाँ तक क्लियर? और अपॉन के नीचे क्या है, 2 अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स। तो 2 अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 473 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? और बाहर तो ये चलते आ रहा है +131.19, और हमने बोला था या इसको हमें इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू आएगी। तो चलिए इसको कैलकुलेटर में बड़े ध्यान से पुट करते हैं। ये 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होगा -3.33 -8.33, और ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, -2x लिखेंगे अपॉन 2। चाहिए तो आप ये 2 और ये 2 कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर में हमको सॉल्व करना है, तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये 473 माइनस एक्स स्क्वायर एकदम ध्यान से पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, +131.19 और इक्वल्स टू 0 इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से मुझे एक्स मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, हम लोग डेरिवेटिव ले रहे थे, तो मैंने 131.19 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व फॉर एक्स करेंगे। एक्स इक्वल्स टू आता है 8 मीटर, ये हमारा x 8 मीटर, हमारा x आ गया 8 मीटर। और इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1, और वहां से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अबाउट d मिल जाएगा। ये 1, ये x को उठा के इस फॉर्मूले में डाल दो, इस 1 के फॉर्मूले में, इस 1 के इक्वेशन में डाल दो। चलिए हम लोग डालते एकदम ध्यान से, इसमें क्या क्या आ रहा है, 50 माइनस 3.33, एक्स की जगह पर 8 रखना है तो इंटू 8 हो जाएगा, वापस -8.33, और अंडर रूट है 473 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर 8 रखना है, मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद बाहर है +131.19, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, जो कि है 13.91। ये है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, जब हम लोग ने सॉल्व किया बिटवीन सी एंड बी, बिटवीन सी एंड बी ये आया था हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जब हमने सॉल्व किया था बिटवीन ए एंड सी के लिए। तो चलिए वापस, हमें यहाँ पर एक लास्ट चीज बोला था, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तब तक हमारा सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई का भी लिख लेता हूँ आंसर, जो कि आया था 21.6, 21.6 किलो न्यूटन वगैरह आप डाल देना, किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर भी मैंने नहीं डाला तो समझ जाना किलो न्यूटन मीटर। ये किसके बीच में आया था, एसी के बीच में। ठीक है, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर साथ में लिख ली सारी, क्योंकि अभी मुझे डायग्राम बनाना है बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। तो उसके लिए देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आर्च बनाइए, ये एक्स आया था हमें इसके लिए, एक्स इक्वल्स टू 8 मीटर इसके लिए आया था, और इसके लिए हमारा एक्स कितना था, इसके लिए हमारा एक्स कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक्स जो था वो था 5 मीटर, है ना। मैंने आपको बताया था इसके लिए एक्स जो था वो हमारा 5 मीटर था, क्योंकि ये 10 है तो ये 5, तब जाके ये टोटल हाफ हो जाएगा 15। तो इसके लिए हमारा एक्स था 5, एक्स इक्वल्स टू 5 था। ये क्यों चाहिए आपको, आप मैं बताता हूँ, ये आपका पॉइंट है सी। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ तक,
इस तरीके से ये आपकी नॉर्मल एक्सिस है। तो ये क्राउन से आपको इस तरह आना है फाइव। तो यहाँ पर एक दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ मैं, ये ए सी है और ये बी सी है। तो पहले हम लोग ए सी के लिए करते हैं। एक्स हमारा फाइव था, मैंने आपको बताया था एक्स हमेशा क्राउन से होना चाहिए, तो ये 5 मीटर है, करेक्ट। अब ये 5 मीटर है, तो यहाँ से जब आप 5 मीटर से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे लाइन, तो इसको आपको बाइसेक्ट करना है इस तरीके से। ये बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू आएगी जो कि है 21.6। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ये बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सी एंड बी, इसका एक्स कितना था 8 मीटर। तो चलिए यहाँ पर 8 मीटर ड्रॉ करिए, जाहिर सी बात है ये 5 से थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए 8। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस होगा 8, 8 मीटर। और चलिए इसको बाइसेक्ट करो यहाँ से। इसको बाइसेक्ट करने के बाद जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है नेगेटिव में है, तो यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए नेगेटिव में, नेगेटिव में आनी चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव का कितना है 13.91। तो ये अभी कनेक्ट कैसे होगी, देखिए ए पॉइंट से स्ट्रेट जाना चाहिए इस पॉइंट तक, यहाँ से स्ट्रेट जाना चाहिए सी पॉइंट तक, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए ये पॉइंट पे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इस बी पॉइंट पर, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बी पॉइंट पर इस तरीके से, और आप इस तरीके से शो करना कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये आपको समझ में आया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने कैसे बनाया। देखिए ए से सी के लिए हमारा एक्स का डिस्टेंस था 5 मीटर, तो 5 मीटर से एक नॉर्मल लाइन बनाइए, इस नॉर्मल लाइन को बाइसेक्ट कर दीजिए, ये 10 मीटर बच जाता है। इस 10 मीटर से इसको बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे हम लोग, तो वो पॉजिटिव की साइड में आ जाएगा 21.6। ये हो गया हमारा 21.6 ए सी के लिए। अब जब हम लोग सी बी के लिए जाएंगे, तो वापस हमें एक्स था हमारा 8 मीटर, तो क्राउन से लेकर 8 मीटर तक का हम लोग एक सेक्शन बनाएंगे, उस सेक्शन को बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पॉजिटिव के साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, तो आंसर हमारा नेगेटिव है। तो हमको हमारे आर्च के नीचे आना है, तो आर्च के नीचे इसी बाइसेक्ट किए हुए लाइन पर वैल्यू आएगी 13.9। ये जो मैंने मार्क किया डॉट, तो यहाँ पर आएगी 13.91। और इस क्योंकि ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड है इसके कारण ये सारी लाइन स्ट्रेट जाएगी। अगर यूडीएल होता तो फिर ये कर्व जाता, क्योंकि ये पॉइंट लोड है इसलिए ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, 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 सारी लाइन स्ट्रेट जाएगी, कहीं पर भी कर्व नहीं आएगा। तो यही था आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए जब आप बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, तब आपको 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर ऐसे, मतलब कंप्लीट उसी डायमेंशन का लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टोटल करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इतना तो हमारा पेपर भी नहीं होता है, तो आपको एक बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस शो करना है कि जो आपने बनाया वो करेक्ट बनाया, बस वो दिखना चाहिए कि आपको मालूम है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। देखिए आप नॉर्मली ऐसे बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ऐसे ही आप बना लीजिए। आप खाली इतना बता देना कि यहाँ से यहाँ तक टोटल है 15, सॉरी टोटल है 30, यहाँ से इतना बता देना, तो ये हो जाएगा 15 और ये 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पर 15, ठीक है। इस तरीके से आप बता देना, आपको एग्जैक्ट डायमेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको शो करना है कि ये आपने जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है वो करेक्ट होना चाहिए, उनके लॉ के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं इसका एक फोटो यहाँ पर डाल दूंगा जो कि क्लियर इमेज होगा, तो आप समझ सकते बात है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।